Hello, Mr. Jones. Hey, yes, tell me what you want in this room. Actually, we want some electrical receptacles and some extra lights in our room. The built-in lights are very dim. Actually, my house was made in 1950s. My grandfather actually made it. Okay. Nowadays, my daughter and my son actually studying in this room. So we need some electrical circuits, sockets for charging connections or some light dimmer. So actually we need this wall, four lights and four electrical circuits. I charge you $10 per hour. Okay, let's go start your work and I will meet you later. I'm really thankful to you. This is your bill. And thank you. Thanks, Mr. John, and have a nice day. सर तुसी फोन किया सी काम वास्ते? हाँ हाँ बेटा, मैंने ही तुम्हें फोन किया था। हाँ जी, तो मैं आ गया वहाँ। दसो की करवाना है? तो ये ना, मैंने थोड़ा सा काम करवाना है घर में। एक्चुअली वो क्या है ना कि कोरोना के दिन चल रहे थे, तो हम किसी भी बाहर वालों को बुलाने से भी डर रहे थे। हालांकि खुद हमें हाइजीनिक का बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन फिर भी हम डर रहे थे कि कहीं कोई ना कोरोना शोरोना का सीन ना हो जाए हमारे साथ। वैसे आपको पता है, यहाँ पे लोग बाथरूम जाने के बाद हाथ धो के बाहर नहीं निकलते। तो मैं कहने जा रहा था कि यार, ये जो आपके पीछे दीवार, इसमें हमें चार बोर्ड चाहिए और चार ही लाइटें चाहिए। देखना यार, मकूल मकूल मुआवजा लेना हमसे। सर इसकी मजदूरी होगी, आप हमारे बड़े लगते हैं, तो आपके लिए जो उनसी है ना, सिर्फ होगी 2000 रुपया। बाहर 2500 लेते हैं, तो आपसे 2000। देखो, हमारे पास कारीगर पहले ही बहुत ज़्यादा हैं। मेरा अपना खाला का बेटा जो उनसा, वो ये इलेक्ट्रिशियन ही था, तो बिजली की तारों को, नंगी तारों को हाथ लगाता हुआ बेचारा उनके साथ ही जुड़ गया। बहुत ही बिजली के काम से बहुत ही जुड़ा हुआ बंदा था। तो देखना, तुम भी हमारे बेटे जैसे हो यार। यार ये देखो, जो पहले ये कंपनी में सारा काम हुआ हुआ है ना, ये मैंने खुद ही किया हुआ है। अब वो क्या था ना कि वो जवानी के दिन से, तो अब खैर से हम पे भी बुढ़ापा आ रहा आहिस्ता आहिस्ता, तो अब हमारा हाथ उतना नहीं चलता जितना जवानी में हम चला चुके हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि यार, अच्छा सा काम करके दो, 100-200 की बात नहीं है, हम किसी का हक नहीं रखते, क्योंकि हमें पता है आगे जाके हमें फिर नेकियों की सूरत में देना पड़ेगा। आप काम अच्छा करो, मेरे भी कज़न का घर बन रहा है 10 मरले का, इंशाल्लाह आप उसका काम भी आपको ही दिलवाएंगे। तो बस हमसे ज़रा ना मकूल मुआवजा लो, ताकि हमें भी जो है ना, हम थोड़े से ज़रा ना, आपको पता कोरोना के बाद आप तो काम चले, तो आप इस तरह करो, थोड़ी सी ज़रा हमसे प्यार मोहब्बत वाली बात कर लेना। वैसे भी हम प्यार वाले जी हैं, तो कोशिश करो यार थोड़ी। यार सामान जितने का मर्जी आ जाए, टेंशन नहीं है, 100-200 मैं आपको एक्स्ट्रा दे दूंगा, ठीक है? मसला कोई नहीं है, आप काम शुरू करो, सामान मुझे बता दो, सामान मैं ले आता हूँ, ठीक है? और कोई दुकानदार भी बता दो अगर आपकी वाकफियत वाला है तो। अच्छा बेटा, ये ना थोड़ा सा काम, यार मैंने ना जेन से निकल गया था, तब एक्चुअली आपको पता है बूढ़े हो गए हैं अब, तो वो दिमाग में चीज़ें बैठती नहीं हैं। वैसे भी इस बोर्ड के साथ ना एक बोर्ड और लगाना था। वो ये बोर्ड लगाए हैं जो दो, सर इनमें पहले ही एक्स्ट्रा साकटे हैं, क्या करनी है, 3x3 उसमें बना दिया मैंने, 4x2 होता है वो। वो तुम्हारी आंटी कह रही हैं कि नहीं, उन्होंने इस्त्री वगैरह लगानी थी यहाँ पे, तो मेरे जहन से निकल गया। वैसे भी मेरी बेटी है माशाल्लाह, वो मास्टर्स किया हुआ, उसने MPhil की तैयारी कर रही है, तो उसने पढ़ना होता है यहाँ पे, उसने लैंप वगैरह जलाना होता है। मेरा छोटा बेटा है, उसने कंप्यूटर वगैरह लगाना होता है यहाँ पे, लैपटॉप चार्जिंग पे लगाना होता है, वो मास्टर्स कर रहे हैं वो, तो इसलिए फिर थोड़ा सा ना इधर ज़रा ज़्यादा साक्तों की ज़रूरत थी। तो आप इस तरह करो, आप एक बोर्ड छोटा सा और लगा दो। नहीं सर, ये तो ज़्यादती वाली बात है ना, वो देखें ना, आप एक बोर्ड और लगवा रहे हैं तो। छोटा 5 मिनट का आपका काम है यार, देख लो, 5 मिनट का काम है, ज़्यादा काम नहीं है। पैसे आपने उतने देने हैं, कोई मसला नहीं यार, मैं 100-200 एक्स्ट्रा दे दूंगा आपको, मसला नहीं है कोई भी, आप बस काम पूरा कर दो यार। चलें फिर भी मैं लगा देता हूँ, लगा देता हूँ। अच्छा, और हाँ यार, वो
एक और चीज़ वो ना मेरी बेटी के कमरे का ना एक बल्ब ख़राब है, तो वो ज़रा चेक कर दो यार। वो काफ़ी दिन हो गए हैं उसको ना, बहुत दिक्कत होती है रात को जो है ना बल्ब, वो 0 वाट का बल्ब ऑन रखना होता है, तो वो इसलिए जो है ना काफ़ी दिक्कत। चलें मैं बदल देता हूँ, कोई मसला नहीं, कोई मसला। सर ये काम आपका मुकम्मल हो गया, अब इजाज़त है। हाँ ठीक हो गया बेटा, शुक्रिया यार आपने काम कर दिया, काफ़ी कारीगर लगते हैं, छोटी उम्र में कारीगर हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह करम करे, अल्लाह आपके काम में और बरकत डाले। ये लो यार पैसे आपके, यार ये लो काम हो गया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, ये लो पैसे। ये तो 1600 है अंकल जी, जाने दे गुस्सा, पहले बात तय की थी आपसे। नहीं यार बेटा देखो, आपको मैंने पहले बताया कितने पैसे, 5000 रुपये का सामान आ गया यार, मेरी तो आधी तनख्वाह चली गई है, मैं अब आपको क्या बताऊं यार। मेरे पास ये अभी मेरी जेब से देखो, ये देखो खाली जेब है मेरी यार। लेकिन अंकल ये तो अब आप बच्चों वाली बातें कर रहे हैं ना, कि इतने नहीं इतने हैं, इतने नहीं इतने हैं, अब जाने दे गुस्सा, ऐसे नहीं काम चलता। हमने भी हमारे हमें भी पेट लगा है सर, क्या हो गया आपको, जाने दे गुस्सा, मेहरबानी करें पैसे तो पूरे दें। बड़े समझ के यार रख लो यार, आगे काम में कर लेंगे ना आपके साथ, मैं आपको बता रहा हूँ अगले कामों में कर लेंगे यार, मसला ही कोई नहीं है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ सर। यही मसला है, हर बंदे का यही मसला है, 10,000 का सामान ले आते हैं और 200 रुपया देने की बारी। नो टेंशन, टेंशन वाली बात नहीं है, मैंने आपको बताया है कि मेरे कज़न का काम हो रहा है, तो चिनाइयाँ वगैरह हो गई हैं, दीवारें खड़ी हो गई हैं, बस लेंटर डलने वाला है, शटरिंग भी लग गई है उनकी, तो वो जैसे ही करता है मैं बात करके आपको ही काम दिलवाऊंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी सर। नहीं जो बात है ना वो बात ही है, सीधी सी बात है, आप 5,000 रुपये का सामान लेकर आए हैं ठीक है, और ये 200 रुपया पूरा, 1,800 रुपया पूरा देते हुए आपको कुछ हो रहा है, तो सर ऐसे नहीं ना होता। फिर हम दूसरे कारीगरों की तरह हम थोड़ी करते हैं कि सामान में से फट्टी लगा जाते हैं, फिर सामान आपका ले जाते हैं जो पुराना पड़ा है, वो फिर आप रोते रहे बैठ के। अब यही मैं उठा के लेके जाऊंगा, आप कहेंगे पता नहीं क्या 5,000 का सामान उठा के ले गया मेरा पुराना। नहीं यार ये तो आप गलत बात कर रहे हो ना बेटा, नहीं ऐसे नहीं कहते यार, नहीं नहीं यार रखो ये पैसे रखो बस, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, बस बस बस।